छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी ने एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने गोबर फेंककर हमले करने के मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा कि अज्ञात युवकों ने आरटीआई प्रकोष्ठ के पदाधिकारी पर गोबर फेंककर हमला किया है। इसे लेकर आक्रोशित बीजेपी नेता सरस्वती नगर थाना पहुंचे। मामले में शिकायत दर्ज कर बीजेपी नेताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि जयराम दुबे आरटीआई सेल के प्रदेश मीडिया प्रभारी है। वहीं बीजेपी की शिकायत पर सरस्वती नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की बात की है। शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। तो लगातार सूचना के अधिकार के तहत मिले गए जानकारी के अनुसार जो गोधन योजना है, जो गोबर खरीदी है, उस पर फर्जी हितग्राहियों को जिस तरीके से भुगतान किया गया है, आज उस मामले को लेकर हमारे आरटीआई प्रकोष्ठ ने इसकी जानकारी उपलब्ध कराई है। और इसके स्पष्ट हमारा आरोप है, जो जानकारी हम सबको प्राप्त हुई है, फिजिकल वेरिफिकेशन हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, भौतिक सत्यापन किया है, उसके आधार पर वो हितग्राही वहां पर नहीं पाए जा रहे हैं। अर्थात फर्जी हितग्राहियों को इस गोधन योजना का भुगतान यहां पर किया जा रहा है। अर्थात ये भ्रष्टाचार का मामला सामने यहां पर आया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए।